आज हम एलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलजेब्रा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एलजेब्रा कहते किसके? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स variables connected by some or all of the four fundamental फंडामेंटल्स में सैम्बल आते हैं, सैम्बल प्लस माइनस गुना और भाग। अब अगर फंडामेंटल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सैम्बल देखते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, सेम साइन पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस भी है तो वो पॉजिटिव, मतलब वर्क हम ऐड कहीं करेंगे, प्लस माइनस से उसका वर्क अगर माइनस का करेंगे, माइनस प्लस से तो उसका वर्क माइनस का करेंगे, लेकिन जो पद बड़ा होगा, जिसका मतलब डिजिट बड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3x और -4x, अगर हम ऐड बना रहे हैं तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, वर्क होगा माइनस का, लेकिन क्रिया जो होगी वो माइनस की। चार में से तीन जाएगा कितना हो जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि पद बड़ा है, थ्री से फोर क्या है, वह बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस एक्स। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा था एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसमें हम क्लियर कर दें कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है, 3x ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट और वेरिएबल के मेल को, ये जो दोनों मेल है, ये दोनों को हम एलजेब्रा, अगर ये दोनों को मेल को अगर इसके साथ विथ टुगेदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ सिंबॉलिक रिलेशन इज नोन एज एल्जेब्रा। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये कांस्टेंट हो गया 3x। सिंपल ऐड जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार से एलजेब्रा में भी ऐड उसी प्रकार से बनाते हैं। अगर एलजेब्रा की ऐड की मैं बात करूं तो फाइव एक्स सेवन एक्स, दोनों x है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं, तो ये साइलेंट है, छिपा हुआ कांस्टेंट है, छिपा हुआ है 5x, ये इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, 7x है तो 7 और 5 कितना होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 7 और 5 12x। अगर इसके साथ 5x
माइनस फाइव एक्स और प्लस सेवन एक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस क्रिया जो होगी वो होगी माइनस की मतलब घटाओ की, वर्क हम ऐड कर रहे हैं लेकिन सैम्बल के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी सेवन में से फाइव जाएगा तो कितना बचेगा टू एक्स, लेकिन चिन्ह किसका देंगे तो चिन्ह देंगे प्लस का, क्योंकि प्लस लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, प्लस का टू एक्स। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये दोनों को दोनों प्लस प्लस है तो ये ट्वेल्व एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस सिक्स एक्स है तो प्लस माइनस, अब देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस क्रिया करेंगे माइनस का, पहले ये क्रिया वर्क किसका किए, एक क्वेश्चन है ये वर्क किए सेवन प्लस फाइव को जोड़ दिए, उसके बाद माइनस सिक्स एक्स है तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है ये माइनस है, प्लस का पद बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह होगा यानी ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा सिक्स एक्स। उसी प्रकार से x प्लस एक्स करते हैं इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, और x माइनस एक्स करते हैं कंजुगेट सेट है, एक प्लस है एक माइनस है दोनों अपोजिट साइन है बट जो डिजिट है वो सेम है तो ये आसानी से कट जाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, फाइव ए स्क्वायर बी माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक क्वेश्चन है एक और एग्जांपल, फाइव ए स्क्वायर बी माइनस सेवन ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस, क्रिया करेंगे माइनस का यानी घटाव का, जोड़ बना रहे हैं लेकिन ये चिन्ह के अनुसार हम वर्क करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सेवन में से फाइव जाएगा कितना आएगा टू ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, चिन्ह किसका होगा माइनस का टू ए स्क्वायर बी। इसी प्रकार से हम आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं अलजेब्रा के ऐड को, ए बी प्लस माइनस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस वर्क करेंगे घटाओ का, यहाँ पे फिर मतलब सैम्बल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, प्लस 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 और माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस प्लस सेम साइन पॉजिटिव अपोजिट साइन नेगेटिव, यहाँ पे अपोजिट साइन एक माइनस है, नाइन के आगे क्या है माइनस है, इलेवन के आगे क्या है इलेवन एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, जो इसका क्रिया है वो घटाव का करेंगे, ग्यारह में से नौ जाएगा कितना बचेगा दो टू एक्स स्क्वायर, लेकिन चिन्ह किसका देंगे हम चिन्ह देंगे इलेवन का, क्योंकि इलेवन नाइन से क्या है बड़ा है, इलेवन डिजिट वो है वह नाइन से बड़ा है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर एक्स एक्स थ्री एक्स सेवन एक्स नाइन एक्स, इसमें सब के आगे प्लस है यानी टोटल प्लस है, ये सब क्या होगा ऐड होगा, नौ सात सोलह, सोलह तीन उन्नीस, एक बीस, चार चौबीस एक्स, इसमें प्लस ही का ये रहेगा चौबीस एक्स। अगर इसको हम और छोटा बच्चा अगर समझना चाहे कि इसको ऐड कैसे हुआ, अगर ये नहीं समझ में आता है तो फोर एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन एक्स के माध्यम से समझेंगे, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो चौबीस एक्स ट्वेंटी फोर एक्स आएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस ऐड को समझने की प्रयास करते हैं, माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स, ये यहाँ पे अब दोनों माइनस है, हम प्लस प्लस का बहुत सारा प्रॉब्लम देखिए, अब माइनस माइनस का प्रॉब्लम देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या है यहाँ पे ये प्लस है, अब ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, फाइव में थ्री को ऐड करेंगे तो एट आएगा,
और इसके साथ x यानी वेरिएबल को लिख देंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन पद कौन बड़ा है? माइनस इसके आगे भी है, माइनस इसके आगे भी है, थ्री के आगे भी, लेकिन इस दोनों डिजिट में जो डिजिट बड़ा है वह ग्रेटर है फाइव। फाइव के आगे क्या है? माइनस, इसलिए माइनस एट एक्स होगा। अब यहाँ पे सेवन ए बी और माइनस थर्टीन ए बी, ये एक और क्वेश्चन है, इसके ये से समझने का कोशिश करते हैं। ये प्लस और ये माइनस, प्लस सेवन ए बी माइनस थर्टीन ए बी, माइनस थर्टीन ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, यानी घटाव का वर्ग किसका करेंगे? घटाव का क्रिया यहाँ पे किसका करेंगे? घटाव का तेरह में से सात जाएगा, सात जाएगा तेरह में से, यानी सात के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, सात में से तेरह जाएगा, तेरह में से सात जाएगा तो कितना बचेगा? सात, छह बचेगा, सिक्स ए बी, लेकिन चिन्ह किसका होगा? प्लस का या माइनस का? तो बड़ा कौन है? डिजिट सेवन और थर्टीन में बड़ा कौन है? थर्टीन। थर्टीन के आगे क्या है? माइनस। ये हम एलजेब्रा का एड सीख रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एलेवन एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम समझने के प्रयास करते हैं। अब जो भी है प्लस प्लस, पहले एक साइन वाले को एक जगह या हम ले आते हैं या इसी प्रकार से हम जोड़ लेते हैं। तो पहले नाइन एक्स स्क्वायर है यहाँ से, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर को ले आते हैं और यहाँ पे इलेवन एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर को एक जगह ये कर लेते हैं, अगर समझना है आसानी से तो, नहीं तो हम ऐसे भी इसको एक इसको और इसको जोड़ लेते हैं और इसको इसको हम एक ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब ले आए हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, नाइन फोर थर्टीन एक्स स्क्वायर, चिन्ह किसका होगा? सैम्बल किसका होगा? होगा ऑब्वियसली है क्यों नाइन का, क्योंकि नाइन फोर से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर है, नाइन जो है बड़ा है। नाइन के आगे क्या है? माइनस, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे माइनस है, बट पद बड़ा होने की वजह से चिन्ह इसका होगा नाइन का, इसलिए माइनस। यहाँ पे प्लस 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 क्रिया होगी प्लस की, ग्यारह में तीन जाएगा मतलब जुटेगा, तो आप यहाँ पे फोर्टीन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका चिन्ह होगा प्लस। अब ये दोनों आ जाता है, दोनों एक्स स्क्वायर है और ये प्लस है, ये माइनस है। फोर्टीन में से थर्टीन जाएगा, चौदह में से तेरह जाएगा, तो बचेगा एक एक्स स्क्वायर, लेकिन चिन्ह किसका होगा? तो चिन्ह होगा प्लस का, प्लस लिखाता नहीं है। हम ये एड एलजेब्रा का एक प्रकार के क्वेश्चन, ये भी एक एग्जांपल है, देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर समझने का ऐड की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी कॉमा, फिर पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी फिर कॉमा पी क्यू माइनस क्यू आर प्लस आर पी। अब यहाँ पे पी क्यू को एक जगह ले आते हैं, अगर हम डायरेक्टली बनाना चाहें तो बन जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को समझना है तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। पी क्यू वाले को एक जगह ले आए, माइनस प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू, यहाँ पे फिर क्यू आर, उसके बाद बचता है क्या? क्यू आर, क्यू आर को एक जगह ले आते हैं, फिर प्लस क्यू आर और यहाँ पे फिर माइनस क्यू आर, उसके बाद बचता है दो डिजिट हो गया पी क्यू क्यू आर माइनस आर पी माइनस आर पी प्लस आर पी प्लस आर पी। यहाँ पे हम शुरू में बताए थे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों सेम साइन है, एक कट जाएगा, इसके बाद बचा क्या? पी क्यू। उसके बाद यहाँ भी ये देखा जा रहा है कि ये एक प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या? क्यू आर। यहाँ पे भी ये चीज सेम चीज है, ये माइनस आर पी है प्लस आर पी है, ये दोनों कट गए या घट गए, एक में से गया तो आरपी में से आरपी गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी फिर आरपी। आपका आंसर क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी। एक और क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे एलजेब्रा का ऐड। अब यहाँ पे टू ए है, फिफ्टीन ए है, ए वाले एक जगह रख लेते हैं और यहाँ पे थ्री ए है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास
तो हम कैसे बनाएंगे, 2a 15a यहाँ पे लिख लेते हैं, 2a 15a इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है 15a और प्लस 3a। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में क्या है, माइनस 3b यहाँ पे देखते हैं माइनस 21b, फिर यहाँ पे प्लस 24b। उसके बाद c की बात बारी आती है, प्लस c माइनस 8c और प्लस 7c, ये तीनों प्लस है, प्लस 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 15 2 17 15 2 17a और प्लस 3a 20a, 15 3 18 2 20। उसके बाद ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या कहलाता है, माइनस माइनस कहलाता है प्लस, दोनों सेम साइन है प्लस, हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 21 और 3 क्या हो जाएगा 24b, और यहाँ पे भी क्या है आपका 24b। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, ये तो कट जाएगा लेकिन c की बात बारी आती है, तो प्लस c और प्लस 7c और माइनस 8c, अगर यहाँ पे इस तरह से हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, हम अगर समझ गए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 7c और c को जोड़ देंगे तो 8c आ जाएगा, और ये माइनस 8c है, ये भी आपका कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है दोनों सेम है, यानी कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल दोनों सेम है बट साइन अपोजिट है, तो ये आसानी से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ 20a। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं, अलग क्वेश्चन आया है, 3a² - 7ab - 4b² - 6a² + 9ab - 3b² - 4ab - 4a² + ab + 5b². अब अगर हम सीख गए तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं सीखे तो फिर एक बार कोशिश करते हैं उस प्रकार से बनाने का, एक जगह एक कैटेगरी को एक जगह ले आए, ए बी वाले को एक जगह ले आए और बी स्क्वायर को एक जगह ले आए, यानी ए ए स्क्वायर को एक जगह ले आए, तो आसानी से ये आ जा रहा है आपका 4a² अब 7ab प्लस 9ab प्लस ए बी वाले को एक जगह ले आए, और यहाँ पे है माइनस 4b² माइनस 3b² प्लस 5b² अब सब आ गया। अगर आपको कहीं डाउट होती है तो हम काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस प्लस आ नहीं तो डायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये क्रिया होगा प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3a² लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का जो डिजिट है 6 जो है वो 3 से बड़ा है और 6 के आगे क्या है माइनस है। यहाँ पे हम सवाल 3a² - 6a² - 3a² घटेगा तो -3a² - पद बड़ा है यानी 6a² जो है बड़ा है 3a² से। अब यहाँ पे आता है 4a² इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 यानी 9ab और ab और -7ab माइनस 7ab और अगर ये दोनों को देखते हैं 10ab इसी प्रकार से आगे माइनस माइनस प्लस चिन्ह होगा जो पद बड़ा होगा डिजिट कौन बड़ा है 4 बड़ा है या 3 बड़ा है 4 बड़ा है 4 के आगे माइनस है लेकिन क्रिया किसका करेंगे वर्क किसका करेंगे वर्क करेंगे प्लस का यानी 4a - 4b² - 3b² 4b² - 3b² यानी -7b² और प्लस 5b² 4a² + 4a² - 3a² प्लस माइनस माइनस डिजिट बड़ा है 4 का चिन्ह होगा यानी 4 के आगे क्या है प्लस है यानी 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a² प्लस a² यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लेकिन
अब यहाँ पे देखना क्या है, सबसे बड़ा सवाल होता है अलजेब्रा का ऐड मी कि डिजिट जो है वो बड़ा कौन है, चिन्ह। अगर चिन्ह समझ में आ गया तो अलजेब्रा हम आसानी से समझ लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी क्रिया करेंगे घटाओ का, यानी घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3ab, लेकिन चिन्ह किस करेंगे, बड़ा कौन है, 10 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो यहाँ पे 10 बड़ा है, 10 के आगे क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस लिखते हैं। यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस वही पार, यहाँ भी है 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है, यानी माइनस पहले दे दिए, 7 में से 5 जाएगा 2b². कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं क्लास 6-7 के बच्चे के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, उस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इफ ए इजकल टू 7, बी का मान बी इजकल टू 2, सी इजकल टू 1, एक्स इजकल टू 5, वाई इजकल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम 8x² यानी 7 नंबर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 8x² 8x² 8 और x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को हम समझ गए। अब आप 4 क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2r a 5, 2r का मान कितना है, 6, a का मान कितना है, 2 5, कुछ नहीं तो गुणा का इसके बीच में है, अगर यहाँ देखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इसका दो 6 बार और 2 5 बार। अभी आप पे मल्टीप्लाई करके 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, यहाँ पे 2 × 8 × 16 × 2 × 4 × 8 मिला लेते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 1 2 3 4 5, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो मेरा आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा का ऐड सीखे, अलजेब्रा का वैल्यू को पुट करने के लिए सीखे, अब अलजेब्रा का सबस्ट्रैक्ट पे ध्यान देते हैं। 4a − 3b + c फ्रॉम 2a − 3b − c, फर्स्ट क्वेश्चन, इतना में से इतना को सबस्ट्रैक्ट करना है, यानी 2a − 3b − c में से इसको इस प्रकार से करते हैं, 4a − 3b + c, ये 2a − 3b − c रह जाएगा जो है, इसके आगे चिन्ह नहीं है, हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यहां से अब अंदर का जो भी चिन्ह है यानी इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह को चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि सबस्ट्रैक्ट का जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 3b और माइनस प्लस माइनस c। अब a वाले को देखते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इस चिन्ह होगा माइनस का, 3b और माइनस 3b, एक माइनस है एक प्लस है, सेम साइन है, कांस्टेंट भी सेम है, 3 है 3 है, वेरिएबल भी b है, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या करते हैं 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से, आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2x − 8y + z फ्रॉम 15x, इस क्वेश्चन को देखते हैं, 15x
प्लस 10y माइनस 18z माइनस घटा और सब्सट्रैक्ट है, इसके बदले सब्सट्रैक्ट का चिन्ह, 2x माइनस 8y प्लस जेड। अब अंदर का इसको पहले कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8y और प्लस माइनस माइनस जेड। यहाँ पे 15x 10y माइनस 18z। अब इसका जो क्रिया है वो हम कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 जाएगा, बचेगा 13x, चिन्ह होगा 15 का क्योंकि 15 बड़ा है 2 से। यहाँ पे प्लस 10y और प्लस 8y प्लस 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 चिन्ह होगा 8 का या 10 का, तो जो बड़ा होगा वो दोनों के आगे प्लस है, ये 10 का साइन होगा क्योंकि 10 8 से बड़ा है, तो 10 का 10 इसको इसको ऐड किया कितना आ गया 18y। अब इसकी मैं बात करूं, माइनस 18z और माइनस जेड, माइनस माइनस क्या होता है हम आपको शुरू में बताए थे, माइनस माइनस सेम साइन पॉजिटिव, मतलब जोड़ देते हैं, 18 में से एक जोड़ कितना हुआ 19z, चिन्ह किसका होगा इसका या इसका, तो 18 का इसका माइनस का ये। अब हम वैल्यू पुट करने का प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐड सॉल्व किए, अब सब्सट्रैक्ट सॉल्व किए, अब आपको समझ में आ गया होगा सब्सट्रैक्ट, अब मल्टीप्लाई की ओर चलते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई।